हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीसी न्यूज़। इस वीडियो में आईसीसी के इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कम रिमाइंडर के बारे में बात करेंगे। रहा सीएस द एग्जीक्यूटिव या सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम देने वाले हो दिसंबर 2024 में, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी अनाउंसमेंट है। वीडियो में आगे बढ़ूँ अनाउंसमेंट बताऊँ उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, आपको सीएस के रिगार्डिंग सारी सारी अपडेट हमारे चलते रहेगा। देखिए ये अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट आई थी 26 तारीख को आई थी, सेम डे सेम टाइम में आपको बता दिया था। बाकी अब आपके लिए ये अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी भी आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो जी कर लो, करने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2024 है। विदाउट एनी लेट फीस आप 10 अक्टूबर तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप लेट फीस 250 रुपये दे सकते हो, देने में एबल हो, तो आप 11 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर पाओगे। ठीक है, आप 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर पाओगे। अच्छा, कुछ एक डाउट जो स्टूडेंट के मन में है उसके बारे में जान लेते हैं। वो स्टूडेंट जो इस अनाउंसमेंट आने से पहले, मतलब 26 तारीख को ये शाम को अनाउंसमेंट आई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने 26 तारीख को अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था और फिल करने के बाद उन्होंने अपना लेट फीस का पेमेंट किया था। ठीक है, अगर आपने लेट फीस का पेमेंट किया था तो आईसीएसआई आपको वापस से भेज देगी, लेट फीस आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। कौन से अकाउंट में आएगा? ये उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट में आपने पेमेंट किया था। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ सुन लीजिए, जो आपकी चेंज करना है, अगर आपको सेंट्रल मीडियम में मॉड्यूल ये स्टार्ट होने वाली है 16 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर 2024 के बीच में, ठीक है, चेंज कर सकते हो आप। और एडिशनल मॉड्यूल अगर आपको लेना है तो वो भी आप 15 तारीख से ले सकते हो। बाकी इसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताना। सीएस की रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब रख लेना। आप पे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।